सूप की न्यूट्रिशनल वैल्यू, सूप किन लोगों को पीना चाहिए और किस फॉर्म में बना के पिया जा सकता है, इस सब को जानने के लिए मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सना कमर, करंटली वर्किंग एट मसूद हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे सूप के बारे में। सर्दियों में सूप की, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, सूप की कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लोग बहुत शौक़ से सूप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सूप के हमारी जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्या है और हमारी सेहत पर ये किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर बात कर ली जाए सूप की न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो सूप के बारे में भी मैं यही बात करूंगी कि इसका कुकिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो सूप के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सॉसेज का इस्तेमाल किया हुआ है, सिंथेटिक सॉसेज का इस्तेमाल किया हुआ है, इसके साथ साथ आपने सूप के अंदर वेजिटेबल कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया हुआ है, वेजिटेबल्स तो हैं लेकिन आपने सॉस ज़्यादा डाली हुई है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा किया हुआ है, कुछ लोग सिरका का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो मार्केट्स में सूप अवेलेबल हैं उसके अंदर कॉर्न स्टार्च, सॉसेज, सिरका, इन चीज़ों का, सिंथेटिक जो हमारे पास विनेगर होता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है। इन सब चीज़ों के साथ अगर सूप मिलता है आपको, तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अगर अपने घर पे सूप, वेजिटेबल सूप बनाते हैं, उसके अंदर कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल नहीं करते, वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल में वैरायटी ऑफ वेजिटेबल डालते हैं जो कि हमें फ़ाइबर एक अच्छा देती है। सर्दियों में सूप इसलिए पिया जाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, हम ठंडा पानी पीने के बजाय हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इसलिए हम सूप का इस्तेमाल करते हैं। उसको बना अच्छे तरीके से लिया जाए तो वो उतना ही न्यूट्रिटिव बन जाता है, और अगर उसको कुकिंग मेथड हम प्रॉपरली नहीं बनाते, जो हमारा एक सही तरीका चला आ रहा है कि कॉर्न स्टार्च डाल लिया, सॉसेस डाल लिया और उसको एक अपीलिंग सा बना के यूज़ कर लिया, मैं उस चीज़ को अवॉइड करने का मशवरा दूंगी। अच्छा सूप बनाने के लिए सब्जियां लें और प्रोटीन का कुछ पोर्शन लें, उसको आप बनाएं, कुक करें, उसके अंदर अपना वेजिटेबल और पानी के अंदर कुक करें, और उसके अंदर आप नेचुरल कोई टेस्ट इन्हेंसिंग चीज़ ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका लेमन आ सकता है। अगर फैट कंटेंट आप देखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। चिकन का अगर पोर्शन यूज़ करना है तो यखनी आप ना बनाएं, आप चिकन को बॉईल करें और उस वेजिटेबल सूप के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें। उसकी कैलोरीज़ में आपको वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं होती। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए ये सूप जो है वो अच्छा होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए सॉस वाला सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए अगर इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जाए, जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर इस सूप का इस्तेमाल कर लें तो वो उनका एक मील रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल भी हो रहा है, इसके अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दाल का सूप होता है, आप वो भी खा सकते हैं, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मिल जाता है हमें दालों के अंदर से, तो हम दाल का सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल करके अगर सूप बनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, ना कि सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या वेट लॉस के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, और अगर आप फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मसूद हॉस्पिटल ज़रूर विज़िट करें। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।